अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खैरियत? क्या हाल है? आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी इधर खैरियत से हूँ। तो दोस्तों, मैं हूँ शाहिर अली और आप देख रहे हैं डेली शाहिर व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज है जुमेरात और हम जा रहे हैं रियाद से हरिमला। जी हाँ दोस्तों, रियाद का सऊदी अरब का एक गाँव है छोटा सा, हम ये वीकेंड पर जा रहे हैं वहाँ गाँव में। तो चलिए आपको ले चलते हैं गांव और आपको बताते हैं वहाँ सऊदी अरब का गांव कैसा होता है और वहाँ के खजूर के जो बाग होते हैं, खजूर के जो बगीचे होते हैं कैसे होते हैं, वहाँ के जो काम करने वाले हैं उनसे भी आपको हम मिलाएंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के साथ, लास्ट तक देखिए। अच्छी लगी तो हमारी वीडियो लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अभी हरिमला। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। तो हम पहुंच गए हैं हरिमला। जी हाँ दोस्तों, ये है गेस्ट हाउस और ये है मजरा, इसको बोलते हैं मजरा, जो खजूर का बगीचा है यहाँ पे। तो अभी 3:30 हो गए हैं, हम पहुंच गए यहाँ पे, ये सब रूम है इधर। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, अब मैं वीडियो बनाऊंगा 3 पार्ट्स में। हम यहाँ पर 3 दिन रुकेंगे, आज कल और परसों। शाम हो गई है भाई, मगरिब के 5:15 हो रहे हैं अभी। तो मैं जा रहा हूँ मार्केट, उथेम मार्केट। यहाँ पे गांव में भी यहाँ पर उथेम मार्केट है, चिकन लाना है वहाँ जाके। तो अभी जा रहा हूँ चिकन लेके आने के लिए, बने रहिए इस वीडियो के साथ, दिखाता हूँ आपको उथेम मार्केट यहाँ पर कैसा है। या गांव, कोई गांव छोटा नहीं होता है दोस्तों, यहाँ पर गाँव में भी बहुत हैवी बड़ी बड़ी रोड्स रहते हैं। चलिए अभी चलते हैं उथेम मार्केट। यार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें उस लाल बटन को दबा के। हम अभी आ गए हैं करीब करीब उथेम के, तो अभी मगरिब का टाइम हो गया है, मगरिब की नमाज़ पढ़ लेंगे फिर जाएंगे उथेम मार्केट में। ये जो बाजू में आपको दिख रहा है, ये है उथेम मार्केट, ये बाजू में इधर हम सामने वहाँ पर राउंड है। तो ये है जी। तो भाई लोग, अभी हो गई है सर्दी चालू, रात हो गई है, टाइम ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन रात ज़्यादा हो गई है। अभी 6:30 बज रहे हैं, सर्दी हो गई है चालू, अभी 22 डिग्री बता रहा है फ़ोन में। तो ऐसी सर्दी में ऐसी गरम गरम चाय पीना बहुत मज़ा आएगा, वो भी काली वाली चाय। आपको भी पीना है तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो ये रोड है दोस्तों, ये पूरा इधर खजूर का बगीचा है, खजूर का मल्ला है इधर। रात हो गई है, मैं आपको बताऊंगा सुबह में। तो ऐसा होता है सऊदी अरब का खजूर का बगीचा, यहाँ पर बहुत है। अभी संतरे का भी है,
और नींबू के झाड़ भी है, बेर के झाड़ भी है। मैं सोच रहा हूँ रात में शूटिंग करूँ, रात में घूमूँ पूरा जंगल में, देखूँ कैसा होता है रात में। ये है तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ जी, तो भाई लोग ये है रिमला। ये नाइट का टाइम, रात के टाइम में ऐसा दिख रहा है, अभी टाइम हो रहा है, आप खुद ही देख लो, 7:30 हो रहे हैं। तो ये कुछ नया एरिया है इधर का। ये रूट में ही आपको दुकान मार्केट वगैरह, छोटे छोटे मार्केट दुकान सब कुछ मिलेगा इधर। मैं इधर आया था कुछ सामान लेने दुकान से, तो मैं भी जा रहा हूँ दुकान को। मैं सोचा इसको अभी शूट कर लूँ, क्योंकि सुबह में ये सब बंद रहते हैं, क्योंकि कल जुमा है, सबको छुट्टी मिलती है। तो मैं अभी आ गया हूँ मार्केट के पास, तो मार्केट में सामान लेके फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बैंक भी है, जो अलराजी बैंक। तो भाई हमने लिया है लकड़ी का रफ्ता, जो रात में जलाने के लिए चाहिए। सर्दी में यहाँ पर लकड़ी जलाते हैं, इंडिया में घर में जलाने के लिए नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर खाली जला देते हैं। ये नया मार्केट इधर खुला है, इधर गोश्त मच्छी वगैरह सब मिलेगा। ये है रात का नज़ारा हरिमला का। हाँ जी, तो भाई हमने सामान ले लिया है, कुछ लेबन और पुदीना लकड़ी लेकर जा रहे हैं। हम जहाँ पर है वो गांव से बाहर में है, वहाँ जा रहे हैं। देखो ये आगे जो दिख रही है पानी की टाकी है इस गांव की और इमला की। ये रियाद से तकरीबन 100 किलोमीटर गिरेगा। वीडियोस बनाना ममनू है, इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है सऊदी में, पता नहीं कौन किधर से क्या बोल देगा। तीन से चार पेट्रोल पंप मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। सामान लेते लेते 8 बज गए। ये देखो गांव के बाहर का नज़ारा, यहाँ पर मस्जिद है, इधर राइट साइड में एक मस्जिद है, फिर जहाँ हम रुके हैं वहाँ पर भी उस मजरा की मस्जिद है। तो जुमा है, कल आपको बताऊंगा। यहाँ तकरीबन लोग काम करने वाले हैं, प्रदेश के लोग बहुत हैं यहाँ। यहाँ पे कुछ डिज़ाइन बनाया गया है पहाड़ी मट्टी का, छोटी सी होटल है। ये है बाहर का नज़ारा, जो रोड है सीधी सीधी रोड है एकदम। कल के वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कल इंशाल्लाह। इधर बाजू में ये जो दिख रहा है आपको, इधर तालाब है, इधर पानी पहले रहता था, अभी पानी तो नहीं है इसमें। कल मैं आपको बताऊंगा इसको। चलो भाई मैं आगे जा रहा था, मेरा इस तरह तो आ गया, मैं जा रहा हूँ आगे। चलो अभी घुसते हैं अंदर। देख रहे हो भाई कैसा नजारा है इधर का, अंधेरा अंधेरा कायम रहे, शैतानियत हाजिर रहे, जिन्नात हाजिर रहे, खास करके जिन्नात तो जंगल में ही होते हैं ना भाई। जिन्नात का जगह जंगल, और صلح لنا غدا شو ما شاء الله كبسه من احسن ما يكون